अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अयाज भाई के साथ आया हूँ, और इससे पहले अयाज भाई मुझे जो है अल्मानिया लेके गए, बुहारो लेके गए। अभी देखें कहाँ लेके जाते हैं, या तो कि मेरा आइडिया है केटी बंदर या फिर खारूशान। अयाज भाई कहाँ लेकर जाओगे? हाँ दोस्तों, सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, आप लोगों के रोजी अच्छे जा रहे होंगे। और दूसरी बात ये थी कि आज हम जा रहे हैं केटी बंदर। सरवर भाई की शरीफ ख्वाहिश थी कि इन्होंने रन भी नहीं मारी, तो हमारी कोशिश है आज कि हम डांगरी जरूर मारें, सरवर भाई की डांगरी मारें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये थी कि ये ट्रिप जो है थोड़ा शॉर्ट टर्म का है, बिल्कुल जैसे अभी हम जा रहे हैं और हमारी वापसी भी बस मतलब जल्दी होगी, हमारा कोई लंबा प्रोग्राम नहीं है। तो दुआ करें साथी कि सब अच्छा रहे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है, आप इसको जब लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है, और हम मजीद कोशिश करते हैं कि आपके लिए कोई अच्छी से अच्छी बोला है। और मेहनत हमारी देखो भाई ऐसे होती है, ये इतना सारा सामान बाइक के ऊपर, ठीक है, ये देखो इसको मैनेज करके हम लोग आते हैं और बड़ा लंबा सफ़र करते हैं, और आप लोगों के लिए जो है ना अच्छी अच्छी रिपोर्टें बनाते हैं। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और आगे की रिपोर्ट दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, ये देखो माशाल्लाह से डांगरी मारी है, ऊपर करो थोड़ा सा, और जो है ना तीन ये समझ लो कि डांगरे तुड़वा चुका हूँ। जोर बारीक थी और हैंड लाइन पे ही खेल रहा था ना, तो ये है कि बस इसकी ट्रिक सीख ली है, इसको किस तरीके से टारगेट करना है ये मैं एक टारगेट कर पाया हूँ। तो मेरे पास तो बारीक डोरे थी, अयाज भाई से डोर ली और यही साइज़ है, बस इससे बड़ा नहीं आया, और जो तीन तुड़वाए हैं वो डांगरे थे। तो अभी लगा हुआ हूँ कोशिश में, तो इंशाल्लाह आएगी तो वो भी मैं दिखाऊँगा। कर दिया, और ये डांगरियाँ पड़ी हुई हैं अंदर, हीरे भी हमारे पास, ये देखें। और ये कनर से आ गया, साइज देखें माशाल्लाह, देख लें जी माशाल्लाह, VIP साइज का कनर्चा, ये देख लें जबरदस्त किस्म का। ये अभी डांगी मारी है, इसको भी लगाओ इधर, और जो है शिकार जारी है। और देखें इंशाल्लाह अभी तो रात बाकी है, जबरदस्त माशाल्लाह भाई ये डांगरी आ गई। देखिए जी ये डांगरी मारी है अभी अभी, और बहुत बेहतरीन मज़ा आ गया। और आप ये साइज़ देखें इसका, ये हमारी मतलब ड्रीम मछलियों में से एक मछली है, और ये बेहतरीन साइज़ की मछली हमने मारी है अभी। एक जो है सरवर भाई ने मारी है, और एक ये मुझे मैंने मारी है, जबरदस्त माशाल्लाह। आज तो भाई क्या हो गया, धमाका हो गया, धमाका बोला ना बड़ा धमाका करेंगे इंशाल्लाह, आज दिन है माशाल्लाह। तो ये नहीं समझना कि ये जाल वगैरह जो पड़ा हुआ है ये जाल का मछली है, जाल का मछली नहीं है, क्योंकि ये हम केटी बंदर की जेटी के ऊपर है, ये अयाज बैठे हुए हैं और ये हमारी मछली है, और ये हमारी डोरे शोरे लगी नहीं है भाई, देख लो ये जेटी के ऊपर हैं, जेटी के ऊपर ही जाल वाल पड़ा हुआ है इनका, ये कोई बोर्ड बोर्ड नहीं है, और यहाँ ना आदम है ना आदम की ज़ात है, ठीक है भाई। अभी एक दाना लगा आराम आराम से, अगर मांगे तो दे देना डोर, थोड़ा आगे चला जाए सर, आगे जा आगे जा आगे जा, अंदर ला अंदर ला, देखिए गुल्ला निकल गया पीछे गया उसका, दूसरी डोर में ही फंसा हुआ था, बेहतरीन साइज भाई माशाल्लाह। अभी दूसरी डोर में भी कुछ है, सीधा करो उसका, वो असल में दो डोरे ऊपर नीचे है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। चलो जी
जो फंसी हुई है उसमें मछली। ये जी जबरदस्त गिराया है अभी। एक और दूसरा छोटा है, हड्डी से छोटा है वो पड़ा हुआ दिखाओ। कहाँ चल रहे हो? ये देखें और बाकी आइस बॉक्स में आ चुका है। लगे में अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर देखें कितने हीरे चलते हैं। जरा सीधा करोगे इसको? ये देखो भाई, हाँ थोड़ा उंगलियाँ तो हटाओ, हाथ कट गया हमारा। ये तो कुर्बानी है ना भाई। दूसरा काला धंधिया आ गया भाई, और ये धमाका साइज माशाल्लाह। तुम दोस्तों ये देखो, हमने आज हम लोग आए हैं केटी बंदर और अयाज भाई की जागीर है। तो अयाज भाई ने ये जगह देखी हुई थी, हमारा मेन मकसद डांगरी को टारगेट करना था और डांगरी टारगेट करी, उसके साथ साथ हीरे भी हैं अच्छे साइज़ के। ये देख लो, काले धंधिये भी हैं, कनर्चिया भी है और डांगरियों के साइज़ देखो माशाल्लाह से। तीन डांगरियाँ टारगेट की है और तकरीबन 6 से 7 तोड़वाई हैं। हाथ पैर भी कट गए और कुछ सॉफ्ट बेट भी गए हमारे। अयाज भाई उठा के दिखाओ साइज़। जिंदा है हाँ, ये देखें इसका साइज है अयाज भाई के हाथ में माशाल्लाह से। वीआईपी सबसे बड़ी डांगरी है और इससे बड़ी हमने तोड़वाई है। और अभी मैं दिखाऊंगा, हाँ अभी 2 बजे थे, रात के 2:15 का टाइम है, तो हो सकता है कि हम थोड़ा आराम भी करें अभी। और अभी आराम कर रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर में देखते हैं, क्योंकि अभी चार के बाद, हाँ शहरी के बाद, शहरी करने के बाद इंशाल्लाह दोबारा ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, बहुत माजरात कि हम उस वक्त अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं दिखा सके, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था और फिर हमें जल्दी निकलना था, टाइम भी नहीं था, तो इस वजह से हम अपनी रिपोर्ट नहीं बना सके। और इसीलिए फिर ये घर ला के फिर हम अपनी ये रिपोर्ट आप लोगों को दिखा रहे हैं, जिसमें ये एक डांगरी और उसके बाद ये एक डांगरी और उसके बाद ये डांगरा, ठीक है, ये डांगरा है और ये कनर्चा। और माशाल्लाह से जितनी देर के लिए हम शिकार पे गए थे उस हिसाब से शिकार हमारा बहुत अच्छा हुआ। इसमें ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों की कमी थी, जिसकी वजह से हमारे बड़े जो डांगरे थे वो मिस हुए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको पूरी रिपोर्ट मिलेगी, क्योंकि हम तैयारी से नहीं गए थे, हम बारीक डोरे लेके गए थे और यही सोचा था चलो ट्राई करेंगे, लेकिन जिन डोरों पे हमने भरोसा किया वो भी टूट गई। और ये भी हमने बड़ी तक्कड़ करने के बाद ये निकाली है। खैर ये तो गेम का हिस्सा है और ये सारी मेहनत दोस्तों साथियों आप लोगों के लिए है, वरना शिकार तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके से हमने ना पॉइंट्स के बारे में किसी को बताया और ना ही कि शिकार क्या किया इसके लिए बताया। लेकिन ये सारी मेहनत है, क्योंकि हम अब YouTube के चैनल के तवस्सुस से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें हमारा भरपूर साथ देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको नई नई से नई वीडियो मिलती रहे। और नेक्स्ट प्रोग्रामों में इंशाल्लाह आप लोगों को सारे रास्ते भी दिखाए जाएंगे और वो पॉइंट भी बताए जाएंगे कि जिन जगहों पे इस तरह की मछलियाँ लगती हैं। तो इस वक्त जो हम, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि इसमें मैं और मेरे एक साथी दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, गुलाम सरवर, ये मेरे साथ होते हैं अमूमन, अच्छे शिकारी भी हैं, तजुर्बेकार भी हैं, पानी को भी समझते हैं, रास्तों को भी समझते हैं। और इसी तरीके से जो है ना हमारा ये चैनल जो है ना आप लोगों के लिए परवान चढ़ रहा है, तो प्लीज़
इन चैनल्स को, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात होगी एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी अच्छी फिशेस के साथ। और दुआओं में याद रखें ताकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा शिकार करते रहें। जज़ाकअल्लाह, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।